बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल विल बी फाइन। दिस इज़ न्यू काउंटन बुक 3 थर्ड एडिशन। लेट्स ओपन काउंटन बुक 3 एंड वेयर बुक ऑफ साइंस फॉर मैथ्स प्लानर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 10, वीक नंबर 10, स्टार्ट फ्रॉम काउंटन पेज नंबर 81, एक्सरसाइज 2D वर्ड प्रॉब्लम्स। Write the answers in the blanks. Beena saves 4 buckets of water in one day. How many does she save in one week? Beena ने एक दिन में 4 buckets of water save किए, तो एक week में कितना पानी save किया? एक दिन में 4 buckets, तो एक week में कितना? You have to write first how many days in one week. Look at this. Beena saves water in one day, 4 buckets, days in one week, which is equal to 7. Now you have to multiply the both numbers. 7, 4 are 28. She saves 28 buckets of water in one week. आपको कितनी buckets save की हैं और week में कितने days होते हैं? यानी एक दिन में अगर इतनी की हैं तो 7 दिनों में कितनी की होंगी? तो एक और 7 दिन को multiply कर देना है, ठीक है? Now second question. There are 7 magic hats. There are 4 rabbits in each hat. What is the total number of rabbits? 7 आपके पास magic hats हैं और rabbits कितने हैं एक hat में? 4. यानी each hat means one hat. हर hat में यानी एक एक में 4 rabbits हैं. Total number of rabbits बताने हैं. तो आपको total number of hats दी गई हैं और हर हेड में कितने रैबिट्स हैं वो भी मेंशन है. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स व्हिच इज इक्वल टू 28. 28 रैबिट्स इन 7 मैजिक हेड्स. यू हैव टू राइट लाइक दिस. ओके, मूव ऑन नेक्स्ट पेज. देयर आर 6 स्पाइडर वेब्स. 7 इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड इन ईच वेब. हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड ऑल टुगेदर? 6 स्पाइडर वेब्स हैं, 7 इंसेक्ट्स जो हैं वो हर वेब में ट्रैप हुए हैं. यानी एक वेब में 7 इंसेक्ट्स के हैं. स्पाइडर वेब्स मीन मकड़ी का जाला, और उसमें हर एक जाले में 7 कीड़े गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं. हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड ऑल टुगेदर? टोटल कितने इंसेक्ट्स ट्रैप्ड हुए हैं? यानी 6 टोटल नंबर ऑफ वेब्स कितने हैं? 6. और टोटल हर वेब में कितने इंसेक्ट्स हैं? 7. लुक एट दिस. टोटल स्पाइडर वेब्स 6, इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड इन वन वेब 7, टोटल इंसेक्ट्स बताने हैं. तो आपको 6 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, बोथ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 42 इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड इन 6 स्पाइडर वेब्स. टोटल हमारे पास 42 इंसेक्ट्स आए हैं जो कि 6 स्पाइडर वेब्स में ट्रैप्ड हुए हैं. देयर आर 4 विचेस, ईच विच हैज़ 2 ब्रूम्स. हाउ मेनी ब्रूम्स आर देयर इन ऑल? 4 विचेस मीन 4 जादूगरनियाँ हैं. हर जादूगरनी के पास 2 झाड़ू हैं. आपने कभी देखा होगा जो जादूगरनियाँ होती हैं उनके पास झाड़ू होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 जादूगरनियाँ हैं जिनके हर एक के पास 2 झाड़ू हैं. तो टोटल कितने झाड़ू हुए? तो आपको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. 4 2 are 8. लुक एट दिस. टोटल विच इज़ 4, ईच विच हैज़ 2 ब्रूम्स. टोटल ब्रूम्स 4 multiplied by 2, 4 विच इज़ हैव 8 ब्रूम्स. I have 6 ice cream cones. There are 3 scoops in each cone. How many scoops of ice cream in all? मेरे पास 6 ice cream cones हैं और there are 3 scoops in each cone. हर ice cream के ऊपर 3 scoops हैं, लहरें हैं. How many scoops of ice cream in all? Total कितनी scoops होंगी तमाम ice cream में? Scoops इनको कहते हैं. जैसे ice cream के ऊपर ये नीचे cone के ऊपर जो है वो ice cream की लहरें होती हैं, इनको scoops बोलते हैं. ओके, टोटल आइसक्रीम कोन्स थी 6 और एक कोन के ऊपर कितनी स्कूप्स थी? 3. टोटल स्कूप्स हमें बतानी है, तो 6 3 are 18. टोटल 18 स्कूप्स आएंगी 6 आइसक्रीम की. यू हैव टू राइट लाइक दिस. 6 multiplied by 3 विच इज़ इक्वल टू 18 स्कूप्स. देयर आर 9 स्क्विरल्स. ईच स्क्विरल ईट 8 नट्स. हाउ मेनी नट्स आर ईटन? 9 गुलहरियाँ हैं. हर गुलहरी जो है वो 8 नट्स खाती है. तो टोटल कितने नट्स खाए गए हैं? टोटल स्क्विरल्स 9 थी. हर स्क्विरल ने कितने खाए? 8 नट्स. तो टोटल नट्स हमें बताने हैं, तो 9 8 are 72. यानी 9 स्क्विरल्स ने 72 नट्स खाए हैं. 72 नट्स आर ईटन बाय 9 स्क्विरल्स. देयर आर 12 फीमेल कैंगरूज इन अ जू. ईच मदर हैज़ ट्विंस इन हर पाउच. हाउ मेनी जॉयज आर देयर इन ऑल? 12 फीमेल कैंगरू
कैंगरूज हैं जू में, और हर एक के पाउच में, कैंगरू के आगे पाउच होता है जिसमें उनके बेबीज़ होते हैं, तो हर एक के पाउच में ट्विन बेबीज़ हैं, यानी दो दो हैं। तो हाउ मेनी जॉयज़ आर देर इन ऑल, टोटल उनके कितने बेबीज़ होंगे फीमेल कैंगरूज़ के? फीमेल कैंगरूज इन अ जू विच इज़ इक्वल टू 12, ईच मदर हैज़ टू, ट्विन मीन्स टू, यानी टू टू जॉयज़ उनके पॉकेट में है, उनके पाउच में है। टोटल जॉयज़ बताने हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 12 टू आर, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई टू विद दिस वंस टू, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू विद वंस 10। आपको टू टू से मल्टीप्लाई करना है, टू टू आर फोर, टू वन इज टू, देयर आर 24 जॉयज़। देयर आर 11 ट्रीज इन द पार्क, 7 मंकीज आर सिटिंग ऑन ईच ट्री, हाउ मेनी मंकीज आर देयर इन ऑल? एक पार्क में 11 दरख्त हैं, 7 मंकीज जो हैं वो हर एक दरख्त पे बैठे हैं, यानी टोटल 11 ट्रीज हैं और हर ट्री पे 7 7 मंकीज हैं, तो आप बताएं टोटल मंकीज कितने होंगे पार्क में? ट्रीज इन द पार्क 11, मंकीज इन ईच ट्री, हर ट्री पे कितने मंकीज हैं? 7। तो आप क्या करेंगे, हर ट्री के मंकीज को टोटल नंबर ऑफ ट्रीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 इज 7, देन 7 1 इज 7, इस 7 को आपको दोनों 1 से मल्टीप्लाई करना है। देयर आर 77 मंकीज ऑन 11 ट्रीज। वर्कआउट दीज सम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। अब आपको कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ अपने क्वेश्चंस नोटबुक्स पे लिखने हैं। वन नोटबुक कॉन्टेन्स 75 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 32 नोटबुक्स? एक नोटबुक के 75 पेजेस हैं, तो 32 नोटबुक्स के कितने पेजेस होंगे? आपको टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स दी हैं और एक नोटबुक के पेजेस मेंशन कर दिए हैं, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है विद कंप्लीट स्टेटमेंट। आपको लिखने हैं पेजेस इन वन नोटबुक 75, पेजेस इन 32 नोटबुक्स आपको बताने कितने हैं। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 75 विथ 32। फर्स्ट आपको 75 को इस टू यानी वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 2 और 10 0, 1 कैरी, 2 7 और 14 प्लस 1 15, कैरी को ऐड किया। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 75 विथ 10 30, यानी इस 30 से आप 0 लिख के 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लें या पूरे 30 के साथ मल्टीप्लाई करें। 0 लिख दिया, 5 3 और 15 5 लिखा, 1 कैरी अगेन, 3 7 और 21 प्लस 1 22। नाउ यू हैव टू ऐड दीज बोथ नंबर्स, 0 0 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और 2 एज इट इज़। देयर आर 2400 पेजेस इन 32 नोटबुक्स, यानी 32 नोटबुक्स में 2400 पेजेस हैं। देयर आर 144 ऑरेंजेस इन 1 क्रेट, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 25 क्रेट्स? अगर एक क्रेट में 144 ऑरेंज हैं तो 25 क्रेट्स में कितने ऑरेंजेस होंगे? आपको 1 क्रेट के भी ऑरेंजेस बता दिए और टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स भी बता दिए हैं, तो अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स को और क्रेट इन ऑरेंजेस इन 1 क्रेट को मल्टीप्लाई कर देना है। ऑरेंजेस इन 1 क्रेट 144, ऑरेंजेस इन 25 क्रेट्स आपको बताने हैं। 144 मल्टीप्लाई बाय 25, फर्स्ट आप 5 से मल्टीप्लाई करें 144 को, 5 4 और 20 0, 2 कैरी, 5 4 और 20 कैरी को ऐड करें, 22, 2 लिखा, फिर 2 कैरी, 5 1 इज़ 5 प्लस 2 7, फिर 144 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 20 से, 0, 4 2 और 8, 4 2 और 8, 2 1 इज़ 2। नाउ यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स, 3600 ऑरेंजेस इन 25 क्रेट्स, 25 क्रेट्स में 3600 ऑरेंजेस आएंगे। देयर आर 225 बार्स ऑफ सोप इन अ बॉक्स, हाउ मेनी बार्स आर देयर इन अ डोजन बॉक्सेस? कह रहे एक बॉक्स में 225 बार्स ऑफ सोप हैं। बार्स ऑफ सोप कहते हैं साबुन की टिक्कियों को, यानी साबुन के कितने, एक एक टिक्की, यानी एक एक पैक जो है, एक एक साबुन के, ठीक है, यानी ये होते हैं एक एक पैक या टिक्कियाँ इनको बोलते हैं। 225 एक बॉक्स में है, तो डोजन बॉक्सेस में कितने होंगे? डोजन मीन 12, यानी डोजन किसके इक्वल होते हैं? 12 के। तो आपको 12 बॉक्सेस में बताने हैं कितने बार्स ऑफ सोप होंगे। बार्स ऑफ सोप इन अ बॉक्स 225, बार्स इन अ डोजन बॉक्सेस आपको बताने हैं, डोजन में कितने होते हैं? 12। इट मीन्स आपको 225 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट आप 225
25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 450 आएगा, देन आप 225 को 10 से यानी 110 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2250 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए 2700 बार्स ऑफ सोप इन 12 बॉक्सेस यानी 12 बॉक्सेस डोजन बॉक्सेस में 2700 बार्स ऑफ सोप आएंगे। इन वन डे अ फैक्ट्री मेक्स 425 स्कूल बैग्स, हाउ मेनी बैग्स विल दे मैन्युफैक्चर इन 24 डेज। एक दिन में अगर एक फैक्ट्री 425 बैग्स बना रही है स्कूल बैग्स, तो वो कितने बैग्स बनाएगी 24 डेज में, यानी एक दिन में 425 थे तो 24 डेज में कितने बैग्स बनाएगी। इन वन डे फैक्ट्री मेक्स 425 बैग्स इन 24 डेज आपको बताने हैं, तो 425 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, पहले 4 से करें आपके पास 1700 आएगा, फिर 425 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 8500 आएगा। नाउ ऐड दिस 10,200 आपके पास आ जाएंगे, दे विल मैन्युफैक्चर 10,200 इन बैग्स इन 24 डेज। यू हैव टू राइट विद कंप्लीट स्टेटमेंट, ओके। देर आर 168 आवर्स इन अ वीक, हाउ मेनी आवर्स आर देर इन 52 वीक्स। अगर एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं तो फिर 52 वीक्स में कितने घंटे होंगे। आवर्स इन वन वीक 168, आवर्स इन 52 वीक्स आपको 168 को 52 से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करें 336, देन आप 168 को 5 से मल्टीप्लाई करें। ज़ीरो अगर आप ऑलरेडी लिख देते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज पूरे 50 से मल्टीप्लाई करें, ओके। पहले वंस वंस टू था, फिर 50 टेंस आ गए, ओके। नाउ ऐड दिस 8736, देयर आर 8736 आवर्स इन 52 वीक्स। मूव ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 83, कंप्लीट दिस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स, दिस इज़ द रिवीजन। आपको अगर याद हो हमने प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फैक्ट किया था, 7 5 4 35, इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या होगा, आप नंबर के ऑर्डर्स चेंज कर दें, यानी 5 पहले आ गया 7 बाद, आंसर सेम रहेगा। डिवीजन में क्या हो जाता है, आंसर पहले लिखते हैं डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन का सेकेंड नंबर विच इज़ इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन का पहला नंबर, इसका आंसर आ जाता है। देखें 35 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन का दूसरा नंबर क्या था, 5, ये इसका डिवीजन फैक्ट है, ठीक है। बिल्कुल इसके सामने लिखा 35 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन का सेकंड नंबर 5, विच इज़ इक्वल टू 5 कितने आर, 35 होता है 5 7 आर, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन का जो फर्स्ट डिजिट था वो डिवीजन का लास्ट डिजिट आ गया, यानी आंसर आ गया। दीज आर द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स, अगर आपको याद हो ये हमने 2 क्लास में किए हुए हैं, आप यहाँ से दोबारा रिवाइज कर लें। रिमेंबर दीज वर्ड्स, दिस इज डिवाइजर, डिवाइडेंड एंड क्वोशन्ट। जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो डिवाइडेंड होता है, और जिस से उसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइजर होता है, और आंसर क्या होता है, क्वोशन्ट। आंसर को क्वोशन करते हैं, कहते हैं। अगर आंसर सॉल्व करते करते एंड पे जीरो के बजाय कोई डिजिट बच जाए तो उसको रिमाइंडर कहते हैं। फॉर ईच सम सर्कल द नंबर विच मैचेस द वर्ड, आपको सर्कल करना है जो इन वर्ड्स, जो आपको वर्ड्स गिवन है इनसे जो मैच करें। लुक एट दिस, दिस इज डिवाइडेंड, डिवाइडेंड आपको गिवन है, तो यहाँ पे डिवाइडेंड कौन सा है, 56, 56 को सर्कल करें। डिवाइजर गिवन है तो डिवाइजर कौन सा है, 10, 10 को सर्कल कीजिए। क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ कौन सा है, 9, तो जस्ट 9 को सर्कल कीजिए, ओके। यू हैव टू कंप्लीट दिस। नाउ राइट द वर्ड विच मैचेस द सर्कल नंबर, अब आपको सर्कल नंबर दिए हैं, आपको इनको मेंशन करना है। व्हाट इज दिस, दिस इज डिवाइजर, राइट हियर डिवाइजर, एंड दिस इज डिवाइडेंड, एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइजर, एंड दिस इज क्वोशन्ट, ओके। मूव ऑन नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 84, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन। सबसे पहले हम पेज नंबर 85 पर डिवीजन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज डिवीजन, देन वी विल सॉल्व इन, वी विल सॉल्व काउंट ऑन पेज नंबर 84। डिवीजन इज इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। डिवीजन क्या होती है, आप किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को आप इक्वल शेयर करें, इक्वल ग्रुप। लेट सपोज मेरे पास 6 कैंडीज़ हैं और 3 चिल्ड्रन हैं, तो मैं क्या करूँगी, 3 चिल्ड्रन में
कैसे मतलब सिक्स कैंडीज़ को दूंगी, तो मैं ये कहूँगी ना कि मैंने सिक्स कैंडीज़ को थ्री चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, मतलब बराबर तकसीम करना है, इक्वल शेयरिंग होता है. ओके, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड डिवाइडेंड, द नंबर विच डिवाइड्स इज़ कॉल्ड डिवाइजर. दिस इज़ 7 डिवाइजर, 56 डिवाइडेंड, और जिसका आंसर आ जाएगा विच इज़ क्वेश्चन 7, 8 आर 56, 8 इज़ क्वेश्चन. इफ़ द नंबर इज़ नॉट फुली डिवाइडेड, द रिमेनिंग नंबर इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर. आपको ये फैक्ट याद रखना है, डिवाइडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ओके, ये हम आगे सॉल्व करेंगे. लुक एट दिस, सारंग की हेल्प कीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में. इट इज़ ईजी फॉर सारिम बिकॉज सारिम नोज हिज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स. सो आपको भी अगर मल्टीप्लीकेशन टेबल्स याद हैं तो डिवीन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी. लेट्स सपोज देखें, 7 56, 56 डिवाइडेंड 7 डिवाइजर, 7 कितने आर 56 होता है, 8 आर. अगर आपको टेबल याद है तो आप फौरन से ये डिवीन कर लेंगे. सो रिवाइज टेबल 8 to 12. ओके, ऑन पेज नंबर 86 लुक एट दिस, लुक एट आदिल्स न्यू सम 626. आदिल यूज पेबल्स एंड सॉर्ट्स देम इन ग्रुप्स ऑफ सिक्स. आदिल के पास छोटी छोटी कंकरियाँ हैं, पेबल्स छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो कंकरियाँ होती हैं. डिवाइडेंड 26, 26 पेबल्स थी, डिवाइडेड बाय डिवाइजर 6 कैसे आया, उसने 6 6 की ग्रुपिंग कर ली. ओके, 26 है तो उसने कहा 6 6 पेबल्स को मैं ग्रुप में करता हूँ, तो दो पेबल्स हमारे उसके पास बच गई. तो नंबर किसको वो डिवाइड कर रहा था, 26 को, और किस पे उसने डिवाइड किया, डिवाइजर 6. अब उसके पास क्वेश्चन क्या आया, आंसर कितने बॉक्स बने, कितनी ग्रुपिंग हुई, 4 ग्रुप्स बने, क्वेश्चन 4 आ गया, लेकिन दो पेबल्स जो हैं वो तो बच गए, तो इट मीन्स रिमाइंडर इज 2. ये रिमाइंडर हो गया, आंसर के बाद जो बच जाए वो रिमाइंडर होता है. ओके, 6 कैसे उसने सॉल्व किया, 6 4 are 24. ही नोज हिज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, सो ही राइट 6 4 are 24. 26 में से 24 को माइनस किया तो 2 बच गया. आदिल हैज़ 2 लेफ्ट ओवर, ही कॉल दिस द रिमाइंडर. सो 2 इज द रिमाइंडर. नाउ वी कैन चेक आवर आंसर, क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर विच इज इक्वल टू डिवाइडेंड. अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्वेश्चन 4 है, डिवाइजर 6 है, रिमाइंडर 2 आ गया. अगर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 4 6 are 24 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 26. इट मीन्स दिस इज द राइट क्वेश्चन. ऑन पेज नंबर 87 डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर बाय 10. 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी है. 10 से डिवाइड करने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब आप 10 से डिवाइड करे होते हैं तो एक्सट्रीम राइट पे जो नंबर होता है वो आपका रिमाइंडर होता है, और बाकी जो नंबर्स होंगे वो क्वेश्चन होगा. एक्सट्रीम राइट पर यहाँ पे नंबर है 3, इट मीन्स 3 इज़ रिमाइंडर एंड 4 इज़ क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पर 7 है, इट मीन्स 7 आपके पास रिमाइंडर है और 52 क्वेश्चन है. अब आप सॉल्व करके देख लें, 10 5 are 50, 52 में से 50 को माइनस किया 2 बचा, 7 को एज इट इज़ उतारेंगे बिकॉज 2 छोटा है, 10 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 7 को उतारा. नाउ 10 2 are 20, 7 बच गया, 7 रिमाइंडर, 52 क्वेश्चन. तो आपको 10 से डिवाइड करना के ईजिली आपको पता होना चाहिए कि 10 से जब भी हम डिवाइड करेंगे एक्सट्रीम राइट पे जो डिजिट होगा यानी वंस जो होगा वो रिमाइंडर होगा और बाकी जो डिजिट होंगे वो क्वेश्चन होंगे. ओके, ऑन पेज नंबर 88 डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर, लुक एट दिस क्वेश्चन. सारा के पास 84 डिजिट था और 4 से उसने डिवाइड करना था. ओके, तो इसने कैसे डिवाइड किया, जैसे बुक में सॉल्व हुआ है, पहले 4 2 are 8. ओके, बिकॉज 4 छोटा था 8 बड़ा था, तो उसने जस्ट 1 डिजिट लिया, 4 2 are 8. लेकिन जब उसने 8 मतलब 84 डिजिट लिया तो उसको याद आया कि मेरे पास तो मुझे तो सिर्फ 10 तक ही टेबल्स आते हैं, 4 10 are 40. तो 4 10 are 40 को उसने कैसे किया सॉल्व, उसने 4 20 are 80 कर दिया. कैसे, 4 2 are 8 और साथ में 0 कर दिया, 84 से 80 माइनस किया 4 आया. पहले उसने टेंस को सॉल्व कर लिया, अब वंस को सॉल्व करना है, तो 4 1 is 4 है तो इसने इस 1 में ऐड कर दिया. नाउ इट मीन्स 4 21 से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा. कैसे, आप इजी वे ये देखें, 4 2 are 8, 8 में से 8 माइनस किया 0, 4 को एज इट इज़ नीचे उतारा, 4 1 is 4. यहाँ पे उसने टेंस में 1 को ऐड किया, तो 21 क्वेश्चन है और रिमाइंडर क्या है,
जीरो, 21 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर जीरो। तो थ्री डिजिट नंबर को कैसे, डिवाइडिंग थ्री डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, लुक एट दिस, हियर इज अ क्वेश्चन, डिवाइडिंग थ्री डिजिट बाय वन डिजिट नंबर, थ्री डिजिट 642 डिवाइडन एंड डिवाइजर इज टू, फर्स्ट आप टू थ्री आर सिक्स करें, ओके टू थ्री आर सिक्स, क्योंकि सिक्स तो टू के टेबल में आता है, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट डिजिट एज इट इज़ नीचे उतारें, आप देखें फोर बड़ा है टू छोटा है और टू के टेबल में भी आता है, तो टू टू आर फोर, फोर माइनस फोर क्या जीरो, यहाँ कुछ नहीं बचता, तो आप टू को एज इट इज़ नीचे उतारना है थर्ड लाइन में, ओके। नाउ टू वन इज टू, तो रिमाइंडर क्या बचा, जीरो, यानी थ्री टू वन क्वेश्चन आ गया। लुक एट दिस, 639, थ्री से डिवाइड करना है, थ्री इज द डिवाइजर, थ्री टू आर सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, थ्री नीचे उतारा, थ्री वन इज थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, फिर नाइन नीचे उतारा, थ्री थ्री आर नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो, 213 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर जीरो, लास्ट में हमारे पास जीरो बचा, तो रिमाइंडर मीन यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो आप जब डिजिट नीचे उतारते हैं तो केयरफुली उतारिएगा, यहीं पे सारे डिजिट नहीं, नेक्स्ट सॉल्व करके, यानी माइनस किया जो आया, फिर नेक्स्ट डिजिट उतारा, फिर इनको माइनस किया, फिर थर्ड डिजिट उतारा, ओके। नाउ मूव ऑन पेज नंबर 84, ऑन पेज नंबर 84 वर्ड प्रॉब्लम्स, देयर आर 14 मंकीज एंड 2 केजीज, हाउ मेनी मंकीज इन ईच केज। देखिए टोटल 14 मंकीज थे और 2 केजीज थे, तो आपको इन केजीज में इक्वली डिवाइड करने हैं, तो 14 टू आर, 14 को 2 पे डिवाइड करना है, लुक एट दिस, इस तरह से 2 7 आर 14, राइट हियर 7 मंकीज, देयर आर नेक्स्ट 72 गोल्फ बॉल्स, आदिल प्लेसेस 6 बॉल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही फिल। 72 गोल्फ बॉल्स थे और 6 बॉल्स हर बॉक्स में उसने डाला है, तो टोटल कितने बॉक्सेस उसको चाहिए होंगे, आप ग्रुप कितने ग्रुप उसको बॉक्सेस के चाहिए होंगे, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिवियन। नाउ यू हैव टू डिवाइड, 6 वन इज 6, 7 माइनस 6 1, 2 भी नीचे उतार दें, 6 टू आर 12, रिमाइंडर 0, ओके 12 बॉक्सेस। नादिया हैज़ 108 क्रियॉन्स, शी वॉन्ट्स टू पुट 9 क्रियॉन्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेज आर नीडिड। 108 क्रियॉन्स थे, उसने डिवाइड किए हर बॉक्स में 9 9 क्रियॉन्स, तो कितने बॉक्सेज चाहिए होंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको बॉक्सेज के बताने हैं। 108, 9 1 इज 9, 10 में से 9 माइनस किया 1, 8 को उतारें, 9 2 आर 18, रिमाइंडर 0, 12 बॉक्सेज। शाहिद हैज़ 42 फीदर्स, इफ़ देर आर 6 हैड्स, हाउ मेनी फीदर्स कैन गो ऑन ईच हैड। 42 फीदर्स हैं, 6 हैड्स हैं, तो हर हैड में कितने जाएंगे, आपको हर हैड को इक्वली डिवाइड करने हैं, तो 6 7 आर 42, जस्ट 7 फीदर्स। देर आर 36 एप्पल्स एंड 9 चिल्ड्रंस, हाउ मेनी एप्पल्स विल ईच चाइल्ड गेट। 36 एप्पल्स हैं, 9 चिल्ड्रन हैं, तो हर बच्चे को कितने एप्पल्स मिलेंगे, हर बच्चे में डिवाइड करें एप्पल्स को, 9 4 आर 36, सिंपली 4 एप्पल्स। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन बाई योर सेल्फ, आपको अगर टेबल्स याद हैं तो आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 7 4 आर 28 होता है, तो 7 आंसर आया, 9 कितने आर 36 होता है, 4, तो 4 लिखें, 9 10 आर 90 होता है, 10 आंसर, ओके। नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 2E, एक्सरसाइज 2E यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 ऑन योर नोटबुक, ओके, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 6 7। So this is all about today's lecture from count on page number 81 to 89. यहाँ तक dividing three digit number तक हमने आज किया, आपको question number 5, 6, 7 exercise 2E से solve करने। See you next inshallah, fi amanillah.